दोस्तों आप सबका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का रेसिपी है ग्रीन चिली सॉस। तो फिर रेसिपी चेकआउट करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमने गरम सॉसपैन पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें साबुत जीरा, फिर जाएगा इसमें लहसुन की कलियाँ और छोटे छोटे टुकड़े अदरक के। अब हम तेल में इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और अब बारी है इसमें डालने की सारे ग्रीन चिलीज। और अब सारे ग्रीन चिलीज को भी अदरक और लहसुन के साथ गरम तेल में पकाएंगे। अब हमने इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पानी ऐड करना है। थोड़ी सी नमक ऐड कर दिए हैं ताकि ग्रीन चिलीज थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम थोड़ी देर ढक्कन से ढक के पकाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारे ग्रीन चिलीज, अदरक और लहसुन अच्छी तरह पक चुके हैं, अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। अब हम सारे चीज़ों को एक प्लेट पे अलग से निकाल के रख देंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन चिलीज कितनी सॉफ्ट हो गए हैं। अब जाएगा सारे चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर कंटेनर पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़ी चम्मच चीनी। और फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। दोस्तों विनेगर ऐड करने से होता है ये ग्रीन चिलीज का जो तीखापन है उसको बैलेंस करके रखता है। और अब हमने फिर से मिला लिया है थोड़ी सी नमक। जार का ढक्कन कर दिया है बंद। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। लीजिए, अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है और हमारे ग्रीन चिली सॉस खाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम सही रेशियो में ब्लेंड हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर घर में ही आसानी से टेस्टी, स्वादिष्ट और हाइजीनिक चिली सॉस बन जाए तो बाज़ार से क्यों खरीदना। आप इस चिली सॉस को रोटी के साथ, पराठे के साथ, रोल्स के साथ, मोमोज के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी ले सकते हो। तो फिर उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।